शहर के मांजरपुर स्थित श्मशान रोड पर कल शाम घटित हुई हिट एंड रन की घटना में 7 साल के मासूम बच्चे की मौत की घटना के बाद फरार हुए अपराधी वैसे आरएसपी के नेता घनश्याम फुलबाजे के पुत्र देउल फुलबाजे खुद मांजरपुर पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के साथ पुलिस द्वारा सघन कार्यवाही जारी की गई है। शहर के मांजरपुर स्थित ममलेश्वर महादेव मंदिर श्मशान रोड के पास घटित हुए हिट एंड रन की घटना में 7 साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो चुकी, जहां ट्यूशन से अपने भाई और बहन के साथ एक्टिवा पर सवार घर वापस लौट रहे वैसे 7 साल के मासूम बच्चे को तेज रफ्तार आ रहे वैसे जीप चालक ने अपनी चपेट में लेते हुए जानलेवा हादसा घटित किया था। धारवी पटेल तथा कविश पटेल और कियान पटेल ट्यूशन से घर वापस लौट रहे थे। दौरान शाम को 6:30 बजे के आसपास तेज रफ्तार जीप चालक ने ये एक्टिवा पर सवार भाई बहन को अपनी चपेट में लेते हुए 7 साल के मासूम बच्चे कविश पटेल को गंभीर चोट पहुंचने के कारण उसकी मौत हो चुकी। जो ये घटना में अपराधी वैसा जीप चालक घटनास्थल से भाग निकला था, तो वहीं पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जारी की सघन तहकीकात में अपराधी को पकड़ने की दिशा में कार्यवाही जारी की थी, जहां आज अपराधी वैसा जीप चालक खुद ही पुलिस स्टेशन में हाजिर हुआ है, जहां अपराधी वैसा आरएसपी के नेता घनश्याम फुलबाजे का पुत्र देउल घनश्याम फुलबाजे द्वारा ये पूरा हादसा घटित किया गया था, जहां देउल फुलबाजे आज पुलिस स्टेशन में हाजिर होते हुए पुलिस द्वारा सघन कार्यवाही जारी की है, जिसमें मांजरपुर पुलिस द्वारा अपराधी जीप चालक देउल घनश्याम फुलबाजे के कोविड टेस्ट के बाद उसकी गिरफ्तारी करने के चक्र गतिमान किए गए हैं। ગઈ કાલે જે હિટ એન્ડ રનનો કેસ બનેલો બ્લેઝર વ્હીકલ છે અને ઓપન જીપ કાર છે એક્સિડન્ટ કરી એમાં એક 7 વર્ષના બાળકનું મૃત્યુ નિપજાવવામાં આવ્યું, જેના અનુસંધાને અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવેલી અને આરોપીના રહેણાંક મકાન અને બીજી બધી અન્ય જગ્યાઓ છે ત્યાં પણ તપાસ કરવા આવેલ અને ગઈકાલ સુધી એ મળી આવેલ નહીં, પણ આજ રોજ બપોરના એના વકીલ સાથે એના પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થયેલા છે। दवाखानु केसी पटेल डिवाइडर रोड पर चढ़ी गये व्हीकल एना निकल्यू नहीं व्हीकल त्या छोड़ी त्या निकली गये, जे आधार अमे व्हीकल गईकाले कब्जे कर लीधेलू थूँ अने ए व्हीकल पर आगे पास नंबर प्लेट लगाड़ेली नहीं, जेनी अमे एंजीन चेसिस नंबर पर आरोपी की पूछपरछ में तपास कर रहेला है कि व्हीकल नंबर शू है एंजीन चेसिस नंबर शू है आ मॉडिफाइड है कि ओरिजिनल व्हीकल है एनी पण अमे तपास कर रहेला छे। पेरालली आज एफएसएल टीम ने फरी बोला घटना स्थल से त्या आग जो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन अकस्मात थे एनी झीणवट पूर्वक तपास कर क्या व्हीकल थी कोई अमने पुरावा मिले कि केम ए तपास कर आरोपी नजर जो साक्षी कहवा मुजब के आरोपी नशानी हालत में तो यू जेलु जे आधार आरोपी ने अत्यारे मैं आरटीपीसीआर टेस्ट माटे मोकली आपवाना छे। आरटीपीसीआर टेस्ट दरमियान अमे ब्लड सैम्पल पर लईशुं, जो एमां आल्कोहोल नी हाजरी जणाई हशे तो एना विरुद्ध में प्रोहिबिशन नो अलग थी गुनो पण रजिस्टर करवामां आवशे। साहेब सौथी मोटो सवाल ए छे के आरोपी ना जीप माथी तलवार नुं म्यान पण मळी आव्युं छे, ए बाबते कोई तपास करवामां आववानी छे? हा, तलवार नुं म्यान मळ्युं छे साची वात छे, पण तलवार नुं म्यान छे ए मारक हथियार में आवतुं नथी, जो अंदर तलवार होत के बीजा कोई पण प्रतिबंधित हथियारों मळी आवे तो एमां पण अलग थी गुनो दाखल करवामां आवे। मृतकना जे काका छे जितेंद्र पटेल एमनो आरोप छे के पुलिस द्वारा जे एफआईआर दर्ज करवामां आवी मां पुलिस बचावी देवानो आक्षेप परिवारजनो करे ना ना नेग्लिजेंसी जे छे व्हीकल चलावामां એ મુજબ જે તે વખતે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે, પરંતુ આરોપીની વૈજ્ઞાનિક ઢબે પૂછપરછ કર્યા પછી પણ અમને એવું જણાશે તો અમે 304 મુજબ કાર્યવાહી કરશું।